चलिए आज हमने स्टार्ट करना ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बहुत थोड़े से टॉपिक रह गए, सारा डिलीट हो गया ऑलमोस्ट। फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। बाकी आपने जब एक्सपेरिमेंट करना है ना क्लास लैब का, वहां से आपको वो उसकी रिफ्रैक्शन भी क्लियर हो जाएगी, आपके वो सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां से आ जाएंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। यू नो प्रिज्म एबीसी हैज एंगल ऑफ प्रिज्म हाउ मच, कितना होता है एंगल ऑफ प्रिज्म? 60 डिग्री। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस एंगल ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एक स्टैंडर्ड प्रिज्म की बात कर रहे हैं जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री होता है, अदरवाइज स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, नाउ व्हेन वी विल थ्रो लाइट ऑन इट, वी विल मेक द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वी ड्रॉ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हमने लेजर लाइट डाली यहाँ पे, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, वॉट एवर इज अवेलेबल। एक सिंगल कलर की लाइट को क्या कहते हैं हम? मोनोक्रोमैटिक लाइट। लाइट ऑफ सिंगल कलर इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट। फॉर एग्जाम्पल लेजर लाइट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो आपका अगर एक रे इंसिडेंट करोगे तो एक ही रे आपको बाहर दिखेगी, बट इफ यू कीप द प्रिज्म इन सनलाइट देन यू विल सी 7 कलर्स, यू विल सी डिफरेंट कलर्स। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो प्रिज्म को, अगर आप सनलाइट में रखो आपको और कलर्स भी दिखेंगे। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू मेक इंसिडेंट लेजर लाइट ओनली, दैट इज मोनोक्रोमैटिक। ये पकड़ाना, मोनोक्रोमैटिक ओनली लाइट सोर्स लेजर। अब ये हमने स्मोक क्यों यहाँ पे इसमें बॉक्स में प्रोड्यूस किया है? टू मेक द एयर डेंसर, मीडियम को डेंस करने के लिए हमने इसमें स्मोक रखा है। ये मैं थोड़ा सा क्लोज व्यू दिखा रही हूँ, प्रिज्म दिख रहा है आपको? आपको तो मैं दिखाई दूंगी यहाँ पे, वन बाय वन आई विल कॉल यू। यहाँ पे प्रिज्म दिख रहा है, ठीक है? अब जब मैं लाइट यहाँ पे थ्रो करूंगी आपको यहाँ से भी थोड़ा सा दिख जाएगा, तो दूसरे फेस से लाइट बेंड होती है, दिख रही है। अदरवाइज अगर मैं बिना स्मोक के इसमें लेजर लाइट डालती तो आपको स्पॉट दिखता, आपको रे नहीं दिखती थी। ठीक है, तो यू कैन ट्राई दैट एट होम ऑल्सो। ये देखिए आपको पूरी इमरजेंट रे दिख रही है। ठीक है, दो दो करके जल्दी से आ जाओ इधर। आपको बच्चे मैं वीडियो भेज दूंगी, क्लोज व्यू एक वीडियो भेज दूंगी, यहाँ पे बेंडिंग आई थिंक आपको दिख रही होगी ये इधर से। ये देखिए, ये इमरजेंट रे क्लियरली दिख रही है, रे इधर डाल रही हूँ, बेंड हो रही है, यहाँ बेंड नहीं हो रही, यहाँ हो रही। जल्दी आइए नेक्स्ट टू, हरी अप, आप भी आओ गर्ल्स इधर से। दिख रही है ऊपर से, दिख रही है आपको? जल्दी आओ गर्ल्स, भाग के आओ, डोंट वॉन्ट टू सी, हरी अप। कितनी क्लियरली दिख रहा है, ऐसे स्लैब में से भी दिखेगा हमें। ठीक है, ये इमरजेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इमरजेंट रे। सेम डायग्राम अभी बनाना है मैंने, देखिए। ठीक है, ये इमरजेंट रे है, बैठते जाइए, दिख रही है आपको? यहाँ देखो अंदर दिख रही है इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे, हाउ क्लियर इट इज। ओके गर्ल्स, ये इमरजेंट रे देखिए, ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे अभी हम। हाँ ये रे ऊपर से देखो ना, बहुत क्लियर दिख रही है। ठीक है, सी आप भी आ जाओ गर्ल्स, चलिए आप वापस। इमरजेंट रे दिख रही है, ये इंसिडेंट रे, ये इमरजेंट रे, ऐसा ही डायग्राम अभी हमने बना लिया। हाँ, पहले रेरर से डेंसर, फिर डेंसर से रेरर, दोनों हो रही है।
हाँ जी, कौन रह गया है? ये लो जी। अब बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस आई एम गोइंग टू ड्रॉ एंड कंप्लीट दिस डायग्राम। सबसे पहले रे इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हिच रे इज दिस? रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। एंगल दैट इट मेक्स विद नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस वॉज इंसिडेंट रे। एंगल दैट इट मेक्स विद नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ इतना ड्रॉ करो पहले। वी हैव ड्रॉन इंसिडेंट रे नॉर्मल फर्स्ट ना। दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। पहले आई ड्रॉ करिए। डन। ये वॉल के साथ नहीं बनाना कभी भी। प्रिज्म के क्वेश्चन में मेनली एंगल्स मार्क करने होते हैं। देन बेंड इट टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। एंगल दैट इट मेक्स विद नॉर्मल इज आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डन। नाउ अगेन मीडियम इज चेंजिंग। अब रे ने ग्लास से एयर में जाना है, दोबारा से डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाना है। अगेन वी ड्रॉ नॉर्मल फर्स्ट ऑफ ऑल एट दिस पॉइंट। नॉर्मल्स मीट कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी ड्रॉ नॉर्मल हियर एंड व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेंड इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस रे इज इमर्जेंट रे दैट वी वर ऑब्जर्विंग देयर। वो इमर्जेंट रे दिख रही थी हम। एक इंसिडेंट रे दिख रही थी और दूसरी इमर्जेंट रे दिख रही थी। ठीक है, अदरवाइज आप करो विदाउट स्मोक तो आपको सिर्फ एक स्पॉट दिखेगा लेजर का। एंगल दैट इट मेक्स विद नॉर्मल इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस। एक और एंगल है यहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे बनाओगे? प्रोड्यूस इंसिडेंट रे बैकवर्ड। इंसिडेंट रे को स्केल से बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दो और इमर्जेंट रे को भी बैकवर्ड ले जाइए। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा सिंबल है इसका। So this is complete diagram showing refraction of light through a glass prism. तो एक तो ये डायग्राम आपको अच्छे से करना है। ऐसे ही हमने कल इसका ही एक्सपेरिमेंट करना है। एक तो वैसे लेजर से हमने देख ही लिया है, हम पिंस से करेंगे कल। इंसिडेंट रे ड्रॉ करके यहाँ पे टू पिंस फिक्स कर देंगे और उनकी इमेज इस फेज में से देखेंगे, एसी में से। और हमें दो पहली पिंस दिखेंगी, उसी लाइन में दो पिंस और लगा देंगे। सो दैट ऑल द फोर पिंस आर इन द सेम डायरेक्शन। तो वो जो दो पिंस है उनका इंप्रेशन ज्वाइन करेंगे, वी विल गेट दिस इमर्जेंट। तो यही काम स्लैब में भी करना है, ऐसे ही स्लैब में भी करेंगे। ग्लास स्लैब है, वी विल ड्रॉ द इंसिडेंट रे आरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द नॉर्मल आरसेल्फ। हम इसके ऊपर दो पिंस लगा देंगे, कॉमन पिंस विद द हेल्प ऑफ हैमर। Now we will see the image of these two pins from here. इस साइड से हम पिंस की इमेज देखेंगे। वही पे हम जहां पे दो पिंस दिख रही हैं, उसी डायरेक्शन में दो पिंस और लगा देंगे। So that all the four pins are in the same straight line. Who is talking? Then we move the pins. बस इतना ही काम है ऑपरेटर्स का, पिंस लगानी है। उसके बाद हम इनको स्केल से ज्वाइन कर देंगे। This will be our emergent ray. We'll get our emergent ray. अब आगे का काम हमने खुद कंप्लीट करना है। ये थोड़ी इधर बन गई, यहां बनेगी। आगे का काम हमें खुद करना है। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। दिस विल बी रिफ्रैक्टेड रे और ये इसके पैरेलल होगी। आप देखोगे कि दिस मस्ट बी पैरेलल होगी। बस ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब होगा। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। So if incident ray and emergent ray are parallel to each other, that means these two angles are equal. So IE के equal होता है slab में। बस उसी के ऊपर questions होंगे sample paper में, और कुछ नहीं। तो ये क्योंकि experiment में, that's why they must have included questions, क्योंकि ये practical syllabus में है। Otherwise this topic is not there. हाँ, यहाँ पे वो देखने में ही दिख रहा है आपको कि ये air है, ये glass है।
तो आर विल बी लेस देन आई ऑलवेज और आई ई के इक्वल होगा, बस सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, स्नेल्स लॉ ऑलरेडी वी हैव डन, म्यूजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर, वी कैन यूज दैट अकॉर्डिंगली। चलिए ये हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। नेक्स्ट है डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। आपको मैंने बताया कि अगर एक रे लेंगे मोनोक्रोमेटिक तो एक ही रे आएगी, और अगर हम सनलाइट लेंगे व्हाइट लाइट लेंगे तो वी विल सी अ स्पेक्ट्रम ऑफ सेवन कलर्स, वी विल सी अ बैंड ऑफ सेवन कलर्स। सो स्प्लिटिंग अ व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यस, व्हाइट लाइट इज सनलाइट दैट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवन कलर्स। मोनोक्रोमेटिक ये थी लेजर। डिस्पर्शन, नाउ वी आर टेकिंग व्हाइट लाइट सनलाइट, तो अभी तो ये सिंगल रे है, बट आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, क्योंकि हर कलर का एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दे ऑक्यूपाई डिस्टिंक्ट पोजीशंस आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, दैट्स व्हाई व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू सेवन कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म। ऐसा क्यों होता है कि हमें कलर दिखने शुरू हो जाते हैं? पहले क्यों नहीं दिख रहे हमें सेवन कलर, बाद में क्यों दिखते हैं? बिकॉज देयर इज सम रीजन। हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ यू अंडरस्टैंड, नाइन्थ में पढ़ा हुआ है आपने, साउंड चैप्टर डिलीट हो गया था ना आपका। अच्छा, वेवलेंथ मतलब एक जो वेव है उसकी जो लेंथ है, ये वेवलेंथ है, दिस डिस्टेंस इज वेवलेंथ। लैम्डा इज द सिंबल फॉर वेवलेंथ, राइट। अब हर कलर जो होता है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, रेड की अलग होगी, वॉयलेट की अलग होगी। रेड हैज गॉट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वॉयलेट कलर हैज गॉट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आपको पता है ना कौन से सेवन कलर है? तो रेंज ऑफ वेवलेंथ है फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, दिस इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। वॉयलेट की सबसे कम है और रेड की सबसे ज्यादा, ठीक है। और अब देखिए हर कलर का एंगल ऑफ डिविएशन डिफरेंट है, तो ये सेवन कलर डिस्टिंक्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म। अभी आपने एक के लिए डायग्राम बनाया ना, सेवन के लिए बनाने से अब फिर से बेंड करना है। समटाइम्स व्हाट डू यू डू इज आप ऐसे बना लेते हो सीधा, ऐसे नहीं बनाना। आपने देखा ना एक के लिए कैसे बनाया, पहले हमने बेंड किया, फर्दर बेंड किया, सेम वे यू विल बेंड हियर ऑल्सो। तो एक बार और बेंडिंग करोगे हम, एंड विथ योर स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, विथ योर स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। सो ड्रॉ द रे डायग्राम फर्स्ट, पहले एक बार ही बेंड करो, फिर एक बार और बेंड करो। फ्रीक्वेंसी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जिसकी कम है ना सबसे उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। वॉयलेट तो कैन यू टेल मी विच कलर इज डेविएटेड द मोस्ट? वॉयलेट, दैट्स व्हाई इट इज एट द बॉटम। सो वॉयलेट कलर इज डेविएटेड द मोस्ट एंड रेड कलर इज डेविएटेड द लीस्ट। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा, कौन सा कलर सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है, कौन सा कलर सबसे कम डेविएट हो रहा है, लाइक दैट। अब इसका रीजन करते हैं, डिस्पर्शन का रीजन क्या है, ऐसे क्यों हो रहा है? व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट? हैव यू ड्रॉन द डायग्राम? सो आई वाज टेलिंग यू कि हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब डिफरेंट वेवलेंथ होती है तो अकॉर्डिंग टू कॉची फॉर्मूला
refractive index will also be different. अगर wavelength different है हर color की तो refractive index भी different होगा. A and B are constants here. A and B are constants here. Cauchy's formula just tells us the relation between refractive index and wavelength of light. You can sit here. You can sit here. इधर आ जाओ. Yes, you can shift. And you people can sit separately. No two will sit together if different benches are available. Okay, get up. इधर से भी. आप इधर आ जाओ for the timing. But why to sit together if we have seats? थोड़ा पीछे कर लो ना तो आगे हुआ. And switch on the light. आप उठो इधर. मैं यही काम करूंगी. चलो आप. मैं सबकी सीटिंग अरेंज. भाविन आप इधर आओ सेकंड क्लास में. आप चलो उधर. इधर चले जाओ. If seats are available, sit separately. ठीक है. इधर एक बच्चा और अभी हो सकता है. चलो. Okay, so I was telling you that different colors are having different wavelength, and different wavelength means different refractive indices. ये एक formula है बस मैंने आपको बताया. इसको कहते हैं Cauchy's formula. इसके according refractive index depends on wavelength. और क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट हुआ. नाउ देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंगल ऑफ डेविएशन फर्दर देयर इज अ फॉर्मूला. आई वोंट बी टेलिंग यू एंड कंफ्यूजिंग यू. तो एंगल ऑफ डेविएशन फर्दर डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो क्योंकि ये डिफरेंट है एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट होंगे. तो इसका मतलब हर कलर का एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट है. So that means it gets deviated through different extent, through different angle. That's why it gets split. A and B are constant. Need not bother about them. आप ऐसे भी लिख सकते हैं inversely proportional to lambda square. ठीक है सर. Relation देखिए. I told you the exact relationship. A and B are constants here. हाँ जी आप क्या पूछ रहे हैं. ये lambda wavelength. तो क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ हर कलर भी डिफरेंट. दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट. तो इसलिए हर कलर डिफरेंट एंगल के थ्रू डेविएट जब हो रहा है तो वो एक प्लेस पे तो नहीं ना हो सकता. हर प्लेस हर कलर अलग अलग प्लेस पे आएगा. सो दे ऑक्यूपाइड डिस्टिंक्ट पोजिशन. दैट्स वाई आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म दे गेट स्प्लिट. तो लिखिए डेफिनेशन डिस्पर्जन ऑफ लाइट की. स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट. Splitting up of white light into seven colors. Splitting up of white light into seven colors after splitting up of white light into seven colors after passing through a glass prism. After passing through a glass prism. तो इसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट. कैन यू नेम एनी फिनोमिना अकरिंग इन नेचर बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट. रेनबो. रेनबो फॉर्मेशन. एग्जांपल रेनबो फॉर्मेशन. यू मस्ट बी नोइंग दैट. बताओ कैसे बनता है रेनबो. हु विल टेल. बताओ. स्टैंड अप. रेनड्रॉप कहां से आती है. हाँ तो ये बताइए पहले व्हाट आर टू कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. सनलाइट मस्ट बी प्रेजेंट आफ्टर रेन शॉवर. पहले रेन होनी चाहिए उसके बाद सनलाइट निकलनी चाहिए तब रेनबो दिखता है. सो देयर आर टू कंडीशंस फॉर दैट. यस एक्सप्लेन. बैठ जाओ. हाँ जो टाइनी ड्रॉप्स हैं दे रिमेन सस्पेंडेड इन द स्काई आफ्टर रेनफॉल. Those tiny droplets of water
they act like tiny prism. So when sunlight falls on them, seven colors are produced and we see a band of seven colors that we call rainbow. But otherwise, this is not alone because of dispersion of light. ये तो आप 8th class में पढ़ते थे ना इतना. अब refraction भी आ जाएगी, total internal reflection भी आ जाएगी. हाँ वो नहीं है, पर मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्शन तो पता ही है ना आपको, लाइट बेंड होती है व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. आई गिव यू द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज डायमंड. व्हाई डज डायमंड शाइन सो ब्रिलियंटली? बिकॉज each face of diamond is cut in such a way कि उसमें जब light एक face से second face पे travel करती है तो उसका angle of incidence critical angle से greater हो जाता है. Critical angle is very small in case of diamond. Critical angle वो होता है जैसे कि I tell you कि एक denser से glass से जैसे rarer medium की तरफ ray जा रही है, it will bend away from the normal. तो एक ऐसा एंगल होता है जब हम इंक्रीज करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, कि रे अवे होती होती इस इंटरफेस के अलोंग चली जाती है. रिफ्रैक्टेड रे गोज अलोंग द इंटरफेस. होगा ना ऐसे, अगर हम इधर से एंगल इंक्रीज करते जाएं, रिफ्रैक्टेड रे इधर से इंक्रीज होती जाएगी, अवे अवे होती जाएगी, होती होती वो अगर बाउंड्री के अलोंग ही चली जाए तो इस केस में आई सी के इक्वल है तो आर कितना है आपका 90 डिग्री हो जाता है. तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. अब फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आई उससे भी ग्रेटर होना चाहिए. अब क्या होगा, इधर जाती जाती रे इधर ही आ जाएगी, ऐसे लगेगा रिफ्लेक्ट हो रही है, बट हम तो रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे थे. सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड डिफरेंटली. इट इज नॉट सिंपली कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो इट इज नॉट रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर, it is total internal reflection, a special case of refraction of light. What this? Or kyunki reflection is the property of shining surfaces like mirrors, so jahan pe bhi total internal reflection hogi hame wahan pe shine dikhayi. So that's why diamond shines so brilliantly. theek hai, ye jo series of TIRs hoti hain isme uski wajah se itna shine karta. Another example is mirage, jo aap desert areas mein water ki illusion hoti hai. बट वेन वी एक्चुअली गो देर देर इज नो वॉटर, तो वहां शाइन सी दिखती है, ऐसा लगता है वॉटर है पर होता नहीं है. वो भी इसी की वजह से है, टी आई आर के. अब रेनबो में देखो कैसे होता है, लिख लो हाउ इज रेनबो फॉर्म. तो क्योंकि सैंपल पेपर में क्वेश्चन होंगे कि कौन कौन से फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, रेनबो के लिए, तो अकेला टी आई आर नहीं है, वो रिफ्रैक्शन भी है, टी आई आर भी है. तो कैसे है टी आई आर, वो डायग्राम से पता लगेगा अभी आप. तो डायग्राम ऑफ रेनबो वो तो लिख लोगे ना आप, कि द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर एक्ट लाइक प्रिज्म, व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन देम डिस्पर्शन टेक्स प्लेस एंड वी सी सेवन कलर्स, उतना हो जाएगा. अब डायग्राम देखिए, एक्चुअली दो रेनबोज होते हैं, हाँ प्राइमरी और सेकेंडरी. ये सेकेंडरी रेनबो है जो ऊपर होता है, अपर रेनबो होता है, ब्राइटर होता है एंड यूजुअली हमें यही दिखता है. जो प्राइमरी रेनबो होता है वो काफी फेंट होता है और वो हमें दिखता ही नहीं है. बट इफ यू लुक केयरफुली तो आपको एक और नीचे फेंटर रेनबो भी दिखाई देता है, वो प्राइमरी होता है, दैट इज प्राइमरी रेनबो. तो हमने इस दोनों रेनबो की एक्सट्रीम ड्रॉप्स ड्रॉ कर दी है, वॉयलेट रेड, रेड वॉयलेट, बाकी कलर बीच में, बाकी कलर इसके इन बिटवीन है. वी हैव जस्ट ड्रॉन द एक्सट्रीम कलर. ठीक है, प्राइम सेकेंडरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो, हियर सन इज देयर. अब सनलाइट फॉल कर रही है ड्रॉप्स के ऊपर, ठीक है. सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, This drop suffers two TIRs. दो total internal reflection suffer करती है, पहले एक बार दूसरी बार, two TIRs. Refraction कितनी हुई, refractions कितनी हुई, पहले देखो ये air से water में गई, bend हुई, one refraction.
फिर टी आई आर हुआ, वो भी रिफ्रैक्शन का ही है ना स्पेशल केस, दो हो गई, फिर एक बार और बेंड हुई, तीन हो गई, फिर ये बाहर आई, फिर बेंड हुई, चार हो गई। तो कितनी इसमें सेकेंडरी रेनबो में देर आर फोर रिफ्रैक्शन एंड टू टी आई आर, डिस्पर्जन तो है ही है, दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फोर रिफ्रैक्शन सेकेंडरी रेनबो में होते। ये देखो ना, ये यहां से आपको क्या लग रहा है, दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिख रही है, ये भी रिफ्रैक्शन ही होती है, और एक बार जब रे एंटर की होगी तब बेंड हुई होगी, बाहर आई होगी तब बेंड हुई होगी, तो फोर रिफ्रैक्शन होगी ना टोटल, ये कह रही है। सो सेकेंडरी रेनबो में देर आर फोर रिफ्रैक्शन, टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है, और डिस्पर्जन तो है ही है, ऐसे ही इसमें भी ड्रॉ करिए। यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो रेनबो को देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो रेनबो की तरफ देख रहा है, आई ऑफ ऑब्जर्वर, हाँ बना लो पहले, ये सेकेंडरी रेनबो हो गया। तो यहां से आपको फिनोमिना क्लियर दिख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और डिस्पर्जन। प्राइमरी रेनबो में एक ही टी आई आर होगी क्या, हमें यही दिखता है, आप ध्यान से देखो आपको ये भी दिखता है, बहुत फेंट होता है, इट्स बिलो सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी तो फेंटर होता है, दो रेनबो कैसे, एक खत्म हुआ फिर दूसरा ऐसे, हाँ वो तो यही होते हैं, वो फेंटर ही रहता है, दो प्लेसेस पे बन रहे होंगे, ऐसे हो सकता है कि दो प्लेसेस पे बन रहे होंगे, मे बी। अब इसमें प्राइमरी रेनबो में एक टीआईआर और दो रिफ्रैक्शन, प्राइमरी रेनबो में एक ही टीआईआर है, आप देख ही रहे हो वन, और फिर दो रिफ्रैक्शन आप, मतलब डिपेंड करता है ना पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, जो ऊपर है वहां पे दो हो जाती है, यहाँ पे नहीं है, एक ही रहती है। और ये रेनबो एक आंख क्यों दिखती है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एंगल्स सप्लेंडेड एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर, अलग अलग एंगल्स बनते हैं ना यहाँ पे, उसकी वजह से हमें आर्क दिखती है, स्ट्रेट लाइंस नहीं दिखती, जबकि हम तो डिस्पर्जन का डायग्राम बनाते हैं ना स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है। चलिए हो गया रेनबो, अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस किस फॉर्म में आ सकते हैं आपको डिस्पर्जन के ऊपर, आपको डिस्पर्जन के ऐसे आ सकते हैं, आपको कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर दे देंगे कलर्स की बजाय, एंड दे विल से, दे विल आस्क विच कलर, विच नंबर रिप्रेजेंट्स द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, कौन सा नंबर है, पोटेशियम परमैंगनेट का वॉयलेट कलर होता है ना, तो नंबर वन बोलोगे, विच कलर रिजेंबल्स द कलर ऑफ ब्रिंजल, वो भी वन बोल दोगे लाइक दैट, विच कलर इज द कलर रिस्पॉन्सिबल, आप ऐसे कह सकते हो विच कलर इज एमिटेड बाय येलो, मैंने येलो बोल ही दिया, विच कलर इज एमिटेड बाय सोडियम लैम्प, सोडियम लैम्प से येलो कलर निकलता है, तो वो येलो हो गया उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। विच नंबर रिप्रेजेंट द कलर ऑफ डेंजर सिग्नल, रेड, तो वो कौन सा है, सेवन, लाइक दैट, तो इस तरह से क्वेश्चन भी होते, ठीक है। मंडे से हम रिविजन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, उसमें ये कल खत्म हो जाएगा आपको, राइट। दो ही टॉपिक्स रह गए, इसका थोड़ा सा ये बस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट, और एक इसमें हाँ वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
वो नहीं लिखा हुआ उसमें, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। जो एप्लीकेशन हैं वो किसकी लिखी हुई है? स्कैटरिंग की लिखी हुई है एप्लीकेशन। टॉपिक लिखे चार, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन। यही लिखी है ना लाइन, एक लाइन लिखी है, आई का कुछ नहीं। वो देखेंगे अगर कंसेप्चुअल करवाने होंगे तो करवा दूंगी। अच्छा ये देख लो, न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, ये डिस्पर्शन से रिलेटेड है। इफ वी कीप टू प्रिज्म्स इन ऑपोजिट मैनर, दो प्रिज्म्स को ऑपोजिट मैनर में रखने हैं, व्हाइट लाइट डालने, एक स्प्लिट करेगा दूसरा उनको रिकम्बाइन कर देगा, दोबारा से व्हाइट लाइट आ जाएगी, बस इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट। बनाओ ये, इफ टू प्रिज्म्स आर केप्ट इन ऑपोजिट मैनर लाइक दिस, वन प्रिज्म विल डिस्पर्स द कलर्स इनटू सेवन, अदर प्रिज्म विल रिकम्बाइन बैक इनटू व्हाइट लाइट। तो व्हाइट निकल रही थी, व्हाइट ही आ जाएगी। और ये न्यूटन ने कहा था, ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट दिया था, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट। साकेत कौन है आप? अपने नेम बता दो, मुझे पता नहीं है। मैं इंशा।